नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे आरओ एआरओ जीएस मॉक टेस्ट 93, जिसमें कि 35 प्रश्न होंगी। ये प्रश्न हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में है और ये प्रश्न आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दूंगी फाउंडेशन कोर्स की, जो कि डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए लेकर आया है। इस फाउंडेशन कोर्स में एंटायर आरओ एआरओ की सिलेबस को कवर किया गया है थ्रू वीडियो लेक्चर्स। यहाँ पर आपको नोट्स पीडीएफ के फॉर्मेट में प्रोवाइड की गई है, आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की गई है जहाँ पर आप अपने परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर सकते हैं। और अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट होता है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे फैकल्टी से पूछ सकते हैं। इस कोर्स से रिलेटेड अगर आपको कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए क्लास, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए जो कि स्क्रीन के नीचे आपको दिया गया है। यहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा दी जाएगी। डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए समान हिंदी की पुस्तक भी लेकर आया है, जो कि आप घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन से, या फिर आप चाहें तो इसे अपने नियरेस्ट बुक स्टोर से जाकर खरीद भी सकते हैं। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण पुस्तक है ये, तो एक बार इसका अध्ययन आप लोग जरूर करिए। चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करेंगे। मैं स्टार्ट करने से पहले क्लास को आपको बता दूं, इस क्लास में भले ही हम 35 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, लेकिन इन 35 प्रश्नों के साथ हम कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो क्लास को ध्यान से देखिएगा और अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश में बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध राजगवां क्षेत्र किस जिले में स्थित है? मिर्जापुर में, चंदौली में, बांदा में या फिर हमीरपुर में? तो उत्तर प्रदेश में बॉक्साइट कहाँ पर मिलता है और यहाँ पर बोला गया राजगवां क्षेत्र की एक स्पेसिफिक लोकेशन की बात की गई है, तो ये आपका बांदा में है। ठीक है, पहले का आपका सी सही उत्तर है। अब यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। जैसे अगर हम बॉक्साइट की बात करेंगे तो एक चीज तो क्लियर हो गया कि बॉक्साइट उत्तर प्रदेश में बांदा में मिलता है। क्या उत्तर प्रदेश में कुछ और ऐसे जिले हैं जहां पर बॉक्साइट मिलता है? तो हाँ, चंदौली, बनारस, ललितपुर, ये कुछ और ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पर बॉक्साइट पाया जाता है। तो आप याद रखिएगा बॉक्साइट किसका ओर है। पेपर में कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है बॉक्साइट किसका अयस्क है, तो आप याद रखिएगा बॉक्साइट जो है वो एल्यूमिनियम का अयस्क है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम इंडियन ज्योग्राफी में आए तो पूरा हम इंडियन ज्योग्राफी की बात करते हैं तो प्रश्न बन सकता है कि बॉक्साइट और किन किन स्टेट्स में मिलता है, या फिर जो बॉक्साइट के प्रमुख राज्य हैं जहां पर बॉक्साइट का उत्पादन होता है, तो आप याद रखेंगे उड़ीसा और झारखंड में। ठीक है, उड़ीसा और झारखंड की अगर हम बात करें तो उड़ीसा में कोरापुर, कालाहांडी और संबलपुर, ये कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पर बॉक्साइट मिलता है। और झारखंड की अगर हम बात करेंगे तो झारखंड में रांची, पलामू और गिरिडीह और लोहरदगा कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर झारखंड में बॉक्साइट मिलता है। ठीक है, तो हमने यूपी स्पेशल से डिस्कस कर लिया बॉक्साइट से जो प्रश्न बन सकते हैं, हमने इंडियन ज्योग्राफी में डिस्कस कर लिया। अब हम बात करते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी में। बॉक्साइट की अगर हम बात करें तो कंट्री में कहां किन किन कंट्रीज में मुख्यतः आपके बॉक्साइट का उत्पादन होता है, या फिर उत्पादक देश कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले आपको ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, उसके बाद चाइना है, फिर गिनी है, फिर ब्राजील है और पांचवें नंबर पर भारत है। तो यहाँ पर बॉक्साइट से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे वो हमने डिस्कस कर लिया। अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको फिर बाद में रिवाइज कर लीजिएगा। चलिए अब हम दूसरे प्रश्न को देखते हैं। क्लास दूसरा प्रश्न क्या है, दूसरा प्रश्न देखिए। अच्छा, दूसरे प्रश्न से पहले हम कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पहले डिस्कस करेंगे। जैसे यूपी स्पेशल में अगर हम डिस्कस करेंगे तो कुछ और जो मिनरल्स हैं वो यूपी में किन किन डिस्ट्रिक्ट्स में पाए जाते हैं। डायमंड की अगर हम बात करें तो बांदा और मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट्स में डायमंड्स मिलता है। गोल्ड की अगर हम बात करें तो सोनभद्र और ललितपुर आप याद रखेंगे। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनरल जो कि पेपर में कई बार पूछा गया है वो है यूरेनियम। यूरेनियम उत्तर प्रदेश में कहाँ मिलता है और ये एकमात्र जिला है जहां पर यूरेनियम मिलता है, तो आप याद रखेंगे ललितपुर, भूलिएगा नहीं क्लास। पोटैश सॉल्ट की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका चंदौली, इलाहाबाद, बांदा, झांसी, सोनभद्र वाले रीजन में मिलता है।
डोलोमाइट की बात करेंगे तो ये भी सोनभद्र और बांदामी डिस्ट्रिक्ट में मिलता है। लेकिन यूरेनियम वाला जो आपका पॉइंट है, इसको आप नहीं भूलेंगे। अगर आपने पास्ट ईयर्स के पेपर्स देखे हैं, पीवाईक्यूज देखे हैं, तो आपको समझ में आ रहा होगा ये प्रश्न कितनी बार बना है कि उत्तर प्रदेश में यूरेनियम कहाँ मिलता है, ललितपुर में। चलिए दूसरा प्रश्न हम देखते हैं। यहाँ पर सूची एक दी गई है, सूची दो दी गई है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख बैराज दिया गया है और नदी दिया गया है। तो चलिए एक एक को मैच करते हुए चलते हैं। जब हम लवकुश बैराज की बात करेंगे तो आप लोग बताइए लवकुश बैराज किस नदी पर बना है, गंगा पर। तो ए का दो तो आपको खाली बी ऑप्शन में दिया है, तो हम मान सकते हैं बी आपका सही उत्तर है। लेकिन और ऑप्शंस देखते हैं। नया ताजे वाला बैराज की जब हम बात करेंगे तो ये आपका यमुना नदी पर है, ठीक है। बाढ़ गंगा बैराज की हम बात करेंगे तो ये राप्ती नदी पर, और अधवा बैराज की हम बात करेंगे तो ये कर्मनाशा नदी पर। तो यहाँ पर बी आपका सही उत्तर है। अब क्लास हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये किन किन डिस्ट्रिक्ट में है। जैसे लवकुश बैराज की जब हम बात कर रहे हैं तो ये आपका गंगा नदी पर है और ये कानपुर में स्थित है, ठीक है। नया ताजे वाला बैराज की अगर हम बात करेंगे तो इसको हत्ती कुंड भी कहते हैं, और ये कहाँ पर है, ये आपका यमुना नदी पर है और सहारनपुर में है। ऐसे ही बाण गंगा बैराज जो है वो राप्ती नदी पर है, और कहाँ पर है, सिद्धार्थनगर पे। अधवा बैराज की हम बात करेंगे तो कर्मनाशा नदी पर, और ये कहाँ पर है, मिर्जापुर में। चलिए क्लास यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम ऑफ उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो प्रमुख नदियां देख लीजिए। इधर यमुना आपको दिख रही है, इधर गंगा दिख रही है, फिर इधर गोमती दिख रही है, ठीक है। अच्छा, पेपर में यमुना से मुझे याद आया कि कई बार ये प्रश्न बना है कि यमुना की जो ट्रिब्यूटरीज हैं इनको आप नॉर्थ टू साउथ अरेंज करिए, ठीक है। तो यमुना की ट्रिब्यूटरीज को याद करने के लिए आपको धोनी की आईपीएल टीम का नाम याद रखना पड़ेगा, जो कि क्या था, सीएसके था ना, और आप बीच में एक बी ले आइए, तो सीएसबीके, बीच में एक बी लिखोगे तो याद रहेगा, सीएसबीके, चेन्नई सुपर किंग्स याद रहता है ना, तो सीएसबीके याद रखना। तो यहाँ पर सी क्या है, आपका चंबल है। देखो यमुना की ट्रिब्यूटरी से पहला चंबल है, फिर एस क्या है, सिंध है, ठीक है, फिर बी क्या है, बेतवा है, और फिर आपका केन है, के आपका केन है। पेपर में ये प्रश्न बना था इसलिए मैंने आपसे डिस्कस कर लिया, यमुना की ट्रिब्यूटरीज को अरेंज करना था एक करेक्ट सीक्वेंस में, तो आप याद रखिएगा। अच्छा, यूपी का अगर मैप आपको आप देख रहे हैं तो आपको ये पता होगा कि गोमती नदी कहाँ से निकलती है, आपकी पीलीभीत से, और लखनऊ जो कि आपका कैपिटल है उत्तर प्रदेश में, वहां पर कौन सी नदी है, गोमती नदी है, पता है, ठीक है। अयोध्या जी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सरयू नदी है। अगर हम गोरखपुर की बात करें तो यहाँ पे राप्ती नदी है। ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो इस तरीके से जब मैप देखा करिए तो एक बार जो भी रिवर्स है उनको लोकेट कर लिया करिए। चलिए अगला प्रश्न अब हम देखते हैं, तीसरा प्रश्न। डिजिटल तकनीकी पर आधारित देश की पहली एवं शनि ग्रह के आकार में बनी विश्व की एकमात्र नक्षत्रशाला की बात की गई है। सबसे पहला ऑप्शन आपको दिया गया है जवाहर तारामंडल प्रयागराज, दूसरा दिया गया वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला गोरखपुर, थर्ड दिया गया इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला लखनऊ, और आखिरी में आपको दिया गया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला रामपुर। क्लास सबसे पहला पॉइंट आप ये करिएगा, काम ये करिएगा, यहाँ पर जितने भी नक्षत्रशाला के नाम दिए गए हैं ये सारे आपके उत्तर प्रदेश में हैं, ये किन किन डिस्ट्रिक्ट्स में लोकेटेड है उसको आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, जो प्रश्न है, शनि ग्रह के आकार में जो नक्षत्रशाला है वो आपका लखनऊ में स्थित है और इसका नाम है इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला, ठीक है। यहाँ पर सी आपका सही उत्तर है, लेकिन और ऑप्शंस में जो भी डिस्ट्रिक्ट्स के नाम दिए गए हैं और नक्षत्रशाला के नाम दिए गए हैं दोनों को याद कर लीजिएगा, यूपी स्पेशल का प्रश्न बन सकता है। अगला प्रश्न अब हम देखेंगे, चौथा प्रश्न। निम्न में से एक सही सुमेलित नहीं है, ठीक है, नॉट करेक्टली मैच्ड। तो नॉट करेक्टली मैच्ड पूछा है तो हम इसको देखते हुए चलते हैं। सबसे पहले आपको दिया गया है दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक साझा उच्च न्यायालय की स्थापना करना अनुच्छेद 214 में दिया गया है, ठीक है। दूसरा आपको दिया गया है अखिल भारतीय सेवाओं की 312 में की गई है आर्टिकल में, ठीक है। राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध की बात आर्टिकल 356 में की गई है, और आखिरी में आपको दिया गया है संसद के शत्र सत्रवासान व विघटन किस आर्टिकल में दिया गया, आर्टिकल 85 में दिया गया। यहाँ पे नॉट करेक्टली मैच्ड पूछा है तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर ऑप्शन ए जो है वो आपका नॉट करेक्टली मैच्ड है। अगर पेपर में प्रश्न बने कि एस्टैब्लिशमेंट ऑफ हाई कोर्ट की बात, समझ रहे हैं,
उच्च न्यायालय की स्थापना की बात किस आर्टिकल में की गई है, तो वो 214 में की गई है, हाई कोर्ट के एस्टैब्लिशमेंट की बात, ये चीज याद रखिएगा। ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट के एस्टैब्लिशमेंट की बात किस में की गई है, आर्टिकल 124 में, ये प्रश्न बना है पेपर में, ठीक है। लेकिन जब हम बात करेंगे दो या दो से अधिक राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की स्थापना की बात किस में की गई है, तो वो 231 में की गई है, आप याद रखिएगा, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अब क्लास हाई कोर्ट में जब भी आप पढ़ते हैं तो वहां पे कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसमें कि स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, उनको मैं एक बार बोल रही हूँ, आप लोग क्विक रिविजन करिए उसका। जैसे पेपर में प्रश्न बनता है कि हाई कोर्ट के जजेस की रिटायरमेंट एज क्या है, तो बहुत से स्टूडेंट क्या करके आते हैं, 65 साल लगा के आते हैं, तो याद रखिएगा नहीं, इनकी रिटायरमेंट एज 65 साल नहीं है, 62 ईयर्स है। जब एग्जामिनर पेपर सेट करता है तो वो भी जानता है कि अधिकतर बच्चे 65 ईयर मार्क करेंगे, तो वो पहला ऑप्शन 65 ईयर सेट कर देता है, और आप होते हैं प्रश्न में तो तुरंत टिक लगा के आते हैं। तो याद रखिएगा कि मैम ने क्या बताया था कि हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनकी रिटायरमेंट एज 62 ईयर्स है, ठीक है। आपको पता है हाई कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है, ये किस आर्टिकल में दिया गया है, 217 में दिया गया है, याद रखिएगा। अच्छा, एक और पॉइंट्स में स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, उसको भी हम डिस्कस कर ले। अगर पेपर में पूछेगा कि हाई कोर्ट के जजेस को सैलरी कहाँ से मिलती है, तो आप याद रखेंगे जो संचित निधि होती है राज्य की, राज्य की संचित निधि से इनको सैलरी मिलती है, मतलब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से इनको सैलरी दी जाती है, ठीक है। लेकिन जब हम पेंशन की बात करेंगे कि हाई कोर्ट के जजेस को पेंशन कहां से मिलती है, तो आप याद रखेंगे हाई कोर्ट के जजेस को पेंशन कौन देता है, कहां से मिलती, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जो संचित निधि है भारत की, वहां से इनको पेंशन मिलती है। तो इस चीज में आप बिल्कुल भी नहीं कंफ्यूज होंगे, यहां पर भी स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैंने आपको बता दिया। और मैंने आपको बता दिया कौन इनको अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है, गवर्नर में मत कंफ्यूज होइएगा। तो इतनी चीजें क्लियर हो गई होगी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखेंगे। अब हम फिफ्थ प्रश्न को देखते हैं, पांचवें प्रश्न को ध्यान से देखिए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित आदर्शों का सही क्रम क्या है, सबसे पहले आपको दिया गया है पंथ निरपेक्ष, दूसरा आपको दिया गया समाजवादी, जिसको कि हम सोशलिज्म कहते हैं, सोशलिस्ट कहते हैं, ठीक है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ठीक है, सोवरेन की बात की गई है यहाँ पे। फिर उसके बाद आखिरी में आपको दिया गया है लोकतंत्रात्मक, ठीक है, डेमोक्रेटिक। तो यहाँ पर क्लास जब हम बात करेंगे तो आप याद रखेंगे सबसे पहले सोवरेन है, फिर सोशलिस्ट है, फिर सेकुलर है, फिर डेमोक्रेटिक है। तो सो सीड करके आप याद रख सकते हैं, सो सीड। तो आप देखिए यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, सोवरेन हो जाएगा, सोशलिज्म हो जाएगा, सोशलिस्ट हो जाएगा, फिर सेकुलर हो जाएगा, फिर डेमोक्रेटिक। तो यहाँ पर 3, 2, 1, 4 याद रखिएगा, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, ऐसे याद रखिएगा क्लास। तो यहाँ पर डी आपका सही उत्तर है। अब क्लास प्रीएम्बल से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि आपकी परीक्षा में बनते हैं। जैसे पेपर में बनता है कि किस केस में ये बोला गया था कि जो प्रीएम्बल है वो भारतीय संविधान का हिस्सा नहीं है, तो आप याद रखेंगे बेरुबरी केस में ये बोला गया था कि प्रीएम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा प्रश्न बनता है कि किस केस में बोला गया था कि प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो प्रीएम्बल है वो भारतीय संविधान का हिस्सा है, तो ये केशवानंद भारती केस में बोला गया था, रिवीजन करते हुए चलिए। ऐसे ही एक प्रश्न बनता है कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू किन 3 शब्दों को हमारे प्रीएम्बल में ऐड किया गया था, तो आप याद रखेंगे किन किन शब्दों को, सबसे पहले सेकुलर आप याद रखोगे, ठीक है, फिर सेकुलर, सोशलिस्ट और इंटेग्रिटी, ये 3 शब्द थे जो कि हमारे संविधान, हमारे प्रीएम्बल में ऐड किए गए थे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू, ये चीज याद रखिएगा। अच्छा, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द हैं हिंदी में, इनको आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, छठवां प्रश्न देखिए, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, प्यूपिल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्यूपिल एक्ट या फिर प्यूपिल रिप्रेजेंटेशन एक्ट, ये याद रखिएगा। अधिनियम 1951 के अनुसार अगर कोई व्यक्ति एक ही समय में संसद या राज विधान मंडल के किसी भी सदन का सदस्य चुन लिया जाता है तो उसे कितने दिनों के अंदर राज्य के विधानसभा की सीट खाली करनी होती है, अन्यथा संसद में उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। यहाँ पे क्या बोला गया है कि अगर कोई पर्सन है इज इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ बोथ द पार्लियामेंट
एंड स्टेट लेजिस्लेचर दोनों जगह वो एज अ मेंबर इलेक्ट कर लिया गया है, तो उसको कितने दिन के अंदर अपनी सीट को वेकेंट करना पड़ता है इन द स्टेट लेजिस्लेचर, नहीं तो क्या होगा उसकी जो सीट है पार्लियामेंट में वो वेकेंट हो जाएगी। तो ये आपका 14 डेज के अंदर उसको ये काम करना रहता है। तो 6 का आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, विद इन 14 डेज उसको अपनी सीट को छोड़ना पड़ता है। 7 प्रश्न को देखते हैं, अभी हम पॉलिटी के प्रश्नों को डिस्कस कर रहे हैं। देखिए 7, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि सभी अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि के शिक्षण संस्थाओं की स्थापना व प्रशासन का अधिकार है। तो ये किस में बोला गया, फंडामेंटल राइट्स की बात की गई है कि माइनॉरिटीज को राइट्स है कि टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर ओन इंटरेस्ट। तो ये बोला गया है आर्टिकल 30 में, अनुच्छेद 30 में। तो 7 का डी आपका सही उत्तर है क्लास। अब यहाँ पर एक प्रश्न पेपर में कई बार पूछा जाता है कि क्या हमारे संविधान में माइनॉरिटी शब्द को डिफाइन किया गया है, परिभाषित किया गया है, तो आप याद रखेंगे नहीं, ठीक है, ना ही माइनॉरिटी शब्द को, ना ही ट्राइब्स शब्द को, जनजाति किसी को भी हमारे संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है, ये चीज याद रखिएगा क्लास, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, 8वें प्रश्न को अब हम देखते हैं। यहाँ पर सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है, एक तरफ आपको झील के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ आपको राज्य के नाम दिए गए हैं, तो मैच करते हुए चलते हैं क्लास। सबसे पहले डिडवाना झील, डिडवाना झील कहाँ पर है, ये राजस्थान में है। तो ए का फोर्थ आपको बी और सी में दिया गया है। रूपकुंड झील की अगर हम बात करेंगे तो रूपकुंड झील जो है वो उत्तराखंड में है, ठीक है। वुलर झील तो आप सभी को पता होगा कि वुलर झील कहाँ पर, बताइए, वुलर झील जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। फिर यहाँ पर आपको दिया गया है पोगोंगसो झील, ठीक है, ये कहाँ पर है, ये लद्दाख में है। तो डी का सेकेंड, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 8th का सी आपका सही उत्तर है क्लास। यहाँ पर हम कुछ और झीलों को डिस्कस कर लेते हैं जो कि परीक्षा में पूछी जाती है। वेमनाथ झील कई बार पूछा गया है कहाँ पर है, तो आप याद रखेंगे वेमनाथ झील कहाँ पर है, केरल में है, ठीक है। चिल्का लेक की बात की गई है कि चिल्का लेक कहाँ पर है, तो ये आपका उड़ीसा में है, और चिल्का लेक जो है वो आपका किन के लिए फेमस है, तो बताइए टर्टल के लिए फेमस है, ऑलिव लर्डल टर्टल्स के लिए फेमस है। शिवाजी सागर लेक की बात करेंगे तो ये महाराष्ट्र में है, शिवाजी से ही क्लियर हो गया है। इंदिरा गांधी सागर की जब हम बात करेंगे तो ये मध्य प्रदेश में है। पांगोंग झील की अभी हमने डिस्कस किया है, ये कहाँ पर है, लद्दाख में है। पुलिकट झील की बात करेंगे तो ये आपका आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु वाले बॉर्डर में है पुलिकट, ठीक है। सरदार सरोवर झील की बात करेंगे तो ये कहाँ पर है, गुजरात में है। वुलर झील मैंने आपको बता दिया, आप याद रखें कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में है। ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, देखिए वुलर झील जम्मू एंड कश्मीर है। लोकटक झील कई बार पेपर में पूछा है कहाँ पर है, मणिपुर में है। नागा अर्जुन सागर झील कहाँ पर है, तेलंगाना में है। इन पॉइंट्स को याद रखिएगा, परीक्षा में यहाँ से प्रश्न बनते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये। अगला प्रश्न हम देखेंगे 9वां प्रश्न, गंगा की निम्नलिखित प्रमुख सहायक नदियों का पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम में इसको व्यवस्थित करिए। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर अगर हम देखेंगे इनको व्यवस्थित करेंगे तो सबसे पहले आपको दिखेगा राम गंगा, ठीक है। राम गंगा के बाद है आपका घाघरा, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए कौन सा है, अगर हम देखें यहाँ पर गंगटक है, फिर ठीक है तीन हो गया, गंगटक के बाद कोसी होगा, फिर महानदी होगा। तो 5, 4, 3, 1, 3, 2, 1, तो बी आपका सही उत्तर होगा, 9th का बी। एक बार हम चेक कर लेते हैं इसको, 9th का बी आपका सही उत्तर है। अब क्लास यहाँ से आप देखिए, ये मैप से आपको ज्यादा क्लियर होगा, मैं एक बार स्क्रीन से हट जाती हूँ ताकि आपको ढंग से मैप दिखे, ठीक है। अब आपको मैप दिख रहा होगा, यहाँ पर अगर आप देखेंगे यहाँ पर क्लास, तो सबसे पहले देखिए इधर आपको रामगंगा दिख रही है, रामगंगा के बाद आपको गोमती दिख रही है, गोमती के बाद आपको घाघरा दिख रहा है, फिर गंगटक, फिर उसके बाद गंगटक के बाद कोशी, कोशी के बाद महानदी, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, क्या सबसे ऊपर क्या है, रामगंगा है, फिर गोमती है, फिर घाघर है, फिर गंगटक है, फिर कोशी है, फिर महानदी है। इस तरीके से भी पेपर में प्रश्न बनता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको किसका बताया था, यमुना की ट्रिब्यूटरीज का अरेंजमेंट बताया था, अब ये भी याद रखिएगा। 10वें प्रश्न को देखते हैं, अब हम 10वें प्रश्न को देखते हैं, विंध्य श्रेणी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहला है इसका विस्तार गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश व बिहार तक है, ठीक है, ये आपका बिल्कुल सही है,
पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है क्लास। दूसरा आपको दिया गया है इसका सर्वोच्च शिखर सद्भावना शिखर है, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। या एक अवशिष्ट पर्वत है, मतलब ये एक रेसिडुअल माउंटेन है, ये भी सही है। विंध्यन पर्वत का निर्माण क्वार्ट्ज एवं बलुआ पत्थरों से हुआ है, ये भी सही है। तो यहाँ पर जितने भी स्टेटमेंट आपको विंध्यन रेंज से रिलेटेड दिए गए हैं वो बिल्कुल ही सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्लास यहाँ पर अगर हम इंडिया के मैप में देखेंगे, ये अरावली हिल्स है, फिर इधर आपको विंध्यन रेंज दिख रही है, फिर सतपुरा रेंज दिख रही है, फिर इधर आपको डेक्कन प्लेटू दिख रहा है, फिर ये देखिए ये वेस्टर्न घाट है, ईस्टर्न घाट है। और एक बार प्रश्न बना था कि वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट कहाँ पर आपका मिलते हैं, तो आप याद रखेंगे नीलगिरी हिल्स पे, ठीक है। एक और प्रश्न जो बनता है वो ये है कि विंध्यन और सतपुरा के जो ब्लॉक माउंटेन्स है यहाँ से होकर कौन सी नदी गुजरती है, तो याद रखिएगा नर्मदा रिवर, ठीक है। तो इतने पॉइंट्स आप अपने दिमाग में बना के रखिएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं यहाँ पर, यहाँ पे अगला प्रश्न हम देखेंगे 11वां प्रश्न। 11वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। चना एक रबी फसल है, मक्का एक खरीफ फसल है, गन्ना एक जायद फसल है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो आपका क्या होगा, खाली एक और दो, 11th का ए आपका सही उत्तर है, ठीक है। देखिए जब भी हम जायद फसलों की बात करते हैं तो जो जायद फसल है ये रबी और खरीफ के मध्यकाल की फसल है, मतलब इनके बीच में इन फसलों को बोया जाता है। और यहाँ पर कौन कौन से आपके जायद फसलें हैं, जैसे तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी, भिंडी, मूंग, उड़द, ये सब आपकी जायद फसल है। क्लास आप इस तरीके से याद रख सकते हैं रोम और काजोल। वैसे आप में से ज्यादातर बच्चों को ये चीज आती है, लेकिन मैं तब भी बता दूं, रोम मतलब जो राबी की फसल है वो अक्टूबर में बोई जाती है और मार्च में, मार्च के समय इसकी हार्वेस्टिंग होती है, इसकी कटाई होती है, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा, मार्च अप्रैल के समय, अक्टूबर नवंबर के समय से बोया जाता है। खरीफ की अगर हम बात करेंगे, खरीफ की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका अगस्त के समय इसे बोया जाता है। और फिर यहाँ पर आप याद रखेंगे, ये देखिए यहाँ पर खरीफ की अगर हम बात कर रहे हैं क्लास, तो इसको सॉरी खरीफ, ठीक है, तो ये आपका जून जुलाई के समय, यहाँ पे जे है ना, जून जुलाई के समय से बोया जाता है और अक्टूबर में इसकी कटाई होती है। तो यहाँ पर याद रखिएगा रोम और काजोल से आप याद रख सकते हैं, जून जुलाई याद रखिएगा और अक्टूबर में। चलिए तो अगला प्रश्न हम देखते हैं। अब हम 12वें प्रश्न को देखेंगे। यहाँ पर सूची एक को सूची दो के साथ सुमेलित करना है। एक तरफ आपको शहर के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ आपको नदी के नाम दिए गए हैं। क्लास ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। चलिए देखते हैं, मैड्रिड की अगर हम बात करेंगे तो मैड्रिड किस नदी पर है, ये आपकी मेंजेनेरस नदी पर है, ठीक है। तो ए का आपका फोर्थ होगा। रोम की अगर हम बात करेंगे तो रोम आप सभी को पता है किस नदी पर है, टाइबर नदी पर है, ठीक है। बी का थर्ड। हैम्सबर्ग की जब हम बात करेंगे तो हैम्सबर्ग किस नदी पर है, एल्ब नदी पर है। और बेलग्रेड की हम बात करेंगे तो ये डेन्यूब नदी पर है। तो यहाँ पर देखिए ए का फोर्थ फोर हो जाएगा, फिर थ्री हो जाएगा, फिर टू हो जाएगा, फिर वन हो जाएगा, 4, 3, 2, 1। तो 12th का बी आपका सही उत्तर है, ठीक है। अगला प्रश्न हम देखते हैं 13वां प्रश्न। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है, बोला गया। Which of the following is not correctly matched? एक तरफ आपको खनिज उत्पादक क्षेत्र दिए गए हैं, मिनरल प्रोड्यूसिंग जोन दिया गया है, और दूसरी तरफ आपको खनिज दिए गए हैं। देखते हुए चलते हैं। अगर हम विंगम की बात करेंगे तो यहाँ पर कॉपर के लिए ये फेमस है, सही है, ठीक है। गोगेबिक की बात करेंगे तो ये लॉ आइस के लिए फेमस है, ठीक है। फिर जब हम हाई बेल्ट की बात करेंगे तो ये सोना के लिए फेमस है। बूट जो है यहाँ पर यूरेनियम दिया है, बूट यूरेनियम के लिए फेमस नहीं है। 13 का डी आपका सही उत्तर होगा। अगर हम बूट की बात करें तो ये स्कॉटलैंड में है और ये आपके सिल्वर के लिए फेमस है, चांदी के लिए फेमस है। तो इस तरीके के प्रश्न पेपर में बनते हैं, तो इनको ध्यान में रखिएगा क्लास, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सब। 14 प्रश्न को देखते हैं। वायुदाब को प्रभावित करने वाले कारकों पर विचार कीजिए। Which of the following factors affect the air pressure? वायुदाब की बात कर रहे हैं। तापमान, समुद्री तल से ऊंचाई, या फिर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ की बात की गई है। तो यहाँ पर तीनों ही फैक्टर आपके रिस्पॉन्सिबल होते हैं एयर प्रेशर के लिए, ये चीज याद रखिएगा। देखिए तापमान की अगर हम बात करें तो आपको पता है जो ठंडी हवा होती है वो गर्म हवा के कंपैरिजन में भारी होती है, ठीक है। तो जब ठंडी हवा होगी तो वो भारी होगी, तो नीचे बैठेगी, तो मतलब एयर प्रेशर ज्यादा होगा। और जब हम गर्म हवा की बात करेंगे तो गर्म हवा हल्की होगी तो
गर्म हवा आपकी ऊपर उठेगी, ठीक है, तो वहां पे प्रेशर कम होगा। इसी तरीके से ह्यूमिडिटी की बात करें तो ह्यूमिडिटी, ठीक है, आर्द्रता की बात करें, हवा की नमी की बात करें, तो ये भी एक फैक्टर होता है एयर प्रेशर को डिटरमाइन करने के। ग्रेविटेशनल फोर्स भी एक प्रेशर को और एक फैक्टर होता है। चलिए 15 प्रश्न को हम देखते हैं। पारिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किया था किसने? यहाँ पे इकोलॉजिकल ट्रांजिशन लिखा है, इसको आप काटिए और यहाँ पे इकोलॉजिकल सक्सेशन लिखिए, ठीक है। इकोलॉजिकल सक्सेशन जो शब्द है वो किसके द्वारा दिया गया था? एल्टन द्वारा, बेनेट द्वारा, बर्कले द्वारा, या फिर दिया गया है रेडजेट द्वारा? तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या है? बेनेट द्वारा इकोलॉजिकल सक्सेशन टर्म दिया गया है, तो यहाँ पर बी आपका सही उत्तर है। अब इकोलॉजिकल सक्सेशन एक बार मैं आपको बता दूं क्लास जल्दी से, ये देखिए यहाँ पर आपको एक फिगर दिख रहा है। एनवायरमेंट इकोलॉजी की क्लास में मैंने इस कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छे से समझाया है, अगर आपने उन क्लासेस को नहीं देखा है तो एक बार जरूर देखिए आपको। देखिए इकोलॉजिकल सक्सेशन दो तरीके का होता है, पहला आपका प्राइमरी होता है, दूसरा आपका सेकेंडरी होता है, प्राथमिक और द्वितीय, ठीक है। प्राइमरी सक्सेशन में क्या होता है, ये तब स्टार्ट होता है जब किसी लैंड में किसी भी तरीके की ग्रीनरी नहीं है। अब ऐसे समझो एक जमीन है जहां पर अभी खाली पत्थर है, एकदम पूरी तरीके से बंजर जमीन है, ठीक है। अब समय के साथ कुछ लाइकेंस आएंगे, वहां पे कुछ प्लांट्स धीमे धीमे ग्रो करने लगेंगे आपके। सबसे पहले जो बड़े बड़े पत्थर है वो आपके धीमे धीमे टूटेंगे, मिट्टी में कन्वर्ट होंगे। जब मिट्टी में कन्वर्ट होंगे, कहीं से नमी मिली, नमी मिली तो छोटे छोटे आपके प्लांट्स वहां पे लाइकेंस आए, छोटे छोटे प्लांट्स आए, फिर ये छोटे छोटे प्लांट्स आपके समय के साथ ग्रासेस में कन्वर्ट हुए, फिर ये ग्रासेस के बाद आपके प्लांट्स में कन्वर्ट हुए, बड़े बड़े प्लांट्स में, और फिर उसके बाद ट्री में कन्वर्ट हुए, और एक समय बाद यहाँ पे फॉरेस्ट बन गया। तो हमने जब बात किया सक्सेशन का, प्राइमरी सक्सेशन का, तो आपके दिमाग में होना चाहिए ये एक बेयर रॉक से स्टार्ट हुआ, मतलब बस खंडहर जमीन थी, और आज वहां पर एक बहुत बड़ा फॉरेस्ट बन गया है, ग्रीनरी आ गई है। तो ये एक ग्रेजुअल चेंज है, धीमे धीमे ये चेंज आ रहा है समय के साथ। थाउजेंड ऑफ इयर्स लग जाते हैं एक बैरन लैंड पे एक पूरा फॉरेस्ट बनने में, लेकिन ये ग्रेजुअल चेंज हो रहा है ना, इसी को हम सक्सेशन कहते हैं, और ये आपका प्राइमरी सक्सेशन है। अब हम सेकेंडरी सक्सेशन की अगर बात करें क्लास, तो ऐसे इमेजिन करो एक बहुत बड़ा फॉरेस्ट है, वहां पर अचानक से आग लग गई। आग लगी तो पूरे जो वहां पे पेड़ पौधे थे सब जल के राख हो गए। अब वहां पर क्या बचा? बस राख बची, ठीक है, जमीन बची। अब क्या होगा, धीमे धीमे कुछ सीड्स होंगे वो आपके पनपने लगेंगे, फिर छोटे छोटे प्लांट्स निकलेंगे, ग्रासेस निकलेंगी, और वो समय के साथ फिर बड़े बड़े पेड़ में कन्वर्ट हो जाएंगे, और वहां पर आपका फिर एक फॉरेस्ट डेवलप हो जाएगा। तो ये आपका सेकेंडरी सक्सेशन है, प्राइमरी सक्सेशन, ठीक है। अगर हम प्राथमिक सक्सेशन की बात करें और सेकेंडरी सक्सेशन की बात करें, द्वितीयक सक्सेशन की बात करें, तो यहाँ पर क्लास अंतर बस ये होता है कि प्राइमरी सक्सेशन हमेशा आपकी एक बैरन लैंड जहाँ पे बेयर रॉक है वहां से स्टार्ट होता है। सेकेंडरी सक्सेशन तब होता है जहां पर पहले आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, एक बायोडायवर्सिटी है, किन्हीं कारणों से वो नष्ट हो चुकी है और समय के साथ आपके फिर पनपना शुरू हो गई है। अच्छा एक चीज बताइए मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में, ठीक है, जैसे आप लोग ने मुझे एनवायरमेंट की क्लास में बहुत से आंसर्स दिए, यहाँ पर भी मुझे एक चीज बताइए, अपने दिमाग से सोचिएगा, प्राइमरी सक्सेशन होने में ज्यादा समय लगेगा कि सेकेंडरी सक्सेशन होने में? ये पॉइंट आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, इसलिए बताएंगे ताकि मुझे समझ में आए कि जो मैंने एक्सप्लेन किया है वो आपको समझ में आया है कि नहीं। 16वें प्रश्न को हम देखेंगे। सूची एक को सूची दो से हमें सुमेलित करना है, एक तरफ दिवस दिए गए हैं, एक तरफ तिथि दी गई है। आप सभी को पता है प्रश्न में, अरे पेपर में प्रश्न बनता है इधर से, तो देखिए चलते हैं एक एक को सॉल्व करते हैं। राष्ट्रीय महिला दिवस की अगर हम बात करेंगे तो ये 13 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है, नेशनल विमेंस डे बोला गया है, विमेंस नेशनल की बात की गई है, राष्ट्रीय बोली गई है, ठीक है। फिर उसके बाद राष्ट्रीय खेल दिवस की जब हम बात करेंगे तो वो आपका कब मनाया जाता है बताइए, वो आपका मनाया जाता है 29 अगस्त को, ठीक है। तो हम एक का फोर्थ और तीन, चार तीन, चार दिन नहीं दिया है, सी में दिया गया है। अच्छा हम और देख लेते हैं, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस की अगर हम बात करेंगे तो ये कब मनाया जाता है, 26 नवंबर, और राष्ट्रीय किसान दिवस आपका कब मनाया जाता है, 23 दिसंबर। तो यहाँ पर सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, 16 का सी हो जाएगा। अब मैं एक और प्रश्न आप लोग से पूछूंगी, राष्ट्रीय महिला दिवस मैंने आपको बता दिया है कब मनाया जाता है, 13 फरवरी को मनाया जाता है,
आप मुझे बताइए, 8 मार्च को हम लोग कौन सा दिवस मनाते हैं? 8 मार्च को हम लोग कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं? तो यहां पर आपका आंसर सी सही था। अगला प्रश्न हम देखते हैं, 17 प्रश्न देखें। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से भौतिक परिवर्तन के कारण होता है? तो फिजिकल चेंज की बात की गई है, आपने पढ़ा होगा, जब आपने साइंस पढ़ी होगी, फिजिकल चेंज होता है, रासायनिक चेंज होता है, मतलब केमिकल चेंज होता है, तो वही बात की गई है। पानी में चीनी का घुलना, ये कौन सा चेंज होता है? ये आपका फिजिकल चेंज होता है, पानी में चीनी को घोलोगे तो वो चीनी घुल जाती है, तो ये एक फिजिकल चेंज है, भौतिक परिवर्तन है। जल का वाष्प में परिवर्तन, जल का वाष्प में परिवर्तन भी एक फिजिकल चेंज है, इवेपोरेशन भी। डिसोल्यूशन, पानी में नमक का घुलना भी फिजिकल चेंज है। और प्रिज्म से गुजरने पर श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में विभक्त होना, जो विभक्योर हम बोलते हैं, ठीक है, स्प्लिट हो जाती है, ये भी आपका एक फिजिकल चेंज है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, 4, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पे देख लीजिए, भौतिक परिवर्तन के अन्य उदाहरण, सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टलेशन, ठीक है, बर्फ का गलना, ये भी फिजिकल चेंज है, पानी में चीनी का घोलना, इवेपोरेशन, नमक का घोलना, सब ये आपका फिजिकल चेंज है। अच्छा, केमिकल चेंज की अगर हम एग्जाम्पल्स को देखें, रासायनिक चेंज की, तो जैसे हवा में चांदी के बर्तन का काला होना, आप रख दोगे चांदी के बर्तन तो समय के साथ वो काले होने लगते हैं। इसी तरीके से जो आपका आयरन होता है उसमें रस्ट हो जाता है, जंग लगता है, ये भी आपका एक रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। दूध से दही का जमना, ये भी एक रासायनिक परिवर्तन है, ये चीज याद रखिएगा। कागज का जलना भी, कोई भी जलना भी एक रासायनिक परिवर्तन है। 18वां प्रश्न हम देखते हैं, निम्नलिखित में से जाइलम किस एक के अलावा सभी का परिसंचरण करता है? मतलब जाइलम क्या ट्रांसपोर्ट करता है हमारे प्लांट्स में, क्या नहीं ट्रांसपोर्ट करता है, एक्सेप्ट बोला गया है, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। अच्छा क्लास, एक चीज बता दो, कभी कभी ऐसा होता है ना, नहीं को मैं पढ़ना भूल जाती है, नहीं इंग्लिश में डिफरेंट दिया रहता है ना, तो आप उस समय एक्सप्लेनेशन पे ध्यान दिया करिए, ठीक है। फिर मैं ये चीज क्लास में बोलूंगी, जैसे अभी मैंने बोला कि क्या करता है, इसमें बताया मैंने आपको कि क्या परिसंचरण नहीं करता है इन सब में। तो जब भी हम जाइलम की बात करते हैं तो हम यहाँ पे बोलते हैं कि जाइलम जो है वो वॉटर को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है, जाइलम। फ्लोएम की बात करते हैं तो फूड की हम बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या नहीं करता है पूछा गया है, तो सुक्रोज नहीं करता है, ये फ्लोएम का काम होता है। तो 18 का ए आपका सही उत्तर होगा। देखिए, जाइलम की जब भी हम बात करेंगे तो जल, खनिज एवं अकार्बनिक आयन, ये सभी का परिसंचरण करता है, ट्रांसपोर्टेशन करता है, ये चीज याद रखेगा प्लांट्स में। जब हम फ्लोएम की बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आप याद रखेंगे कि ये आपके सुक्रोज का, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन करता है। वास्कुलर टिश्यूज इन अ प्लांट दैट ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स लाइक सुक्रोज, ये चीज आप याद रखिएगा, पेपर में पूछा गया है, एक आसान प्रश्न था, इसको मैं एक आसान प्रश्न कहूंगी। अगला प्रश्न हम देखेंगे आप, 19th प्रश्न। नीचे दो कथन दिए गए हैं और अभी कथन और दूसरा कारण, मतलब assertion reason based प्रश्न है ये। तो देखते हैं, अभी कथन है, धूप के चश्मे में क्रूक्स कांच का प्रयोग किया जाता है। क्रूक्स कांच जो है वो सेरेनियम तथा दूसरी दुर्लभ धातुओं से मिलकर बनी होती है, जिसमें पैराबैंगनी किरणों को अवशोषित करने की क्षमता होती है। देखिए, बोला गया है जो सन ग्लासेस हम लोग लगाते हैं वो क्रूक्स की बनी हुई होती है, ठीक है, और जो क्रूक्स होती है उसमें आपके सेरेनियम और कुछ रेयर मेटल्स होते हैं जो कि अल्ट्रावायलेट रेज को आपके एब्जॉर्ब करते हैं, मतलब आपकी आईज को प्रोटेक्ट करते हैं, कहना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर दोनों ही चीज आपका सही है, 19 का ए आपका सही उत्तर होगा, क्लास ये चीज याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, देखिए यहाँ पे धूप के चश्मों में क्रूक्स कांच का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि क्रूक्स कांच सेरेनियम तथा दूसरी दुर्लभ धातुओं से मिलकर बन जाती है, जिसमें पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करने की क्षमता होती है। अगला प्रश्न देखेंगे, 20वां प्रश्न, ध्वनि की चाल निर्भर करती है, स्पीड ऑफ साउंड जो है वो किस पर निर्भर करता है, तापमान पर, वायु की आर्द्रता पर, या फिर इन दोनों में से दोनों पर, या फिर इन दोनों में से किसी पे भी नहीं। अब ऐसा समझो कभी कि जब बहुत ठंड होती है तो तेज बोलते हो कि धीमे बोलते, बताओ, या फिर जब पानी में ह्यूमिडिटी होती है, अरे एयर में ह्यूमिडिटी होती है, पानी में ह्यूमिडिटी नहीं, वायु में आर्द्रता की बात कर रहे हैं, तो क्या होता है? तो यहाँ पर दोनों ही फैक्टर आपके रिस्पॉन्सिबल होते हैं स्पीड ऑफ साउंड की, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। स्पीड ऑफ साउंड, अगर मैं आपसे कहूँ कि मतलब बिल्कुल भी ह्यूमिडिटी नहीं, एकदम क्लीन वेदर है, तो स्पीड ऑफ साउंड जो है वो ज्यादा तेज होगा,
ये चीज आपको समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या है? सी आपका सही उत्तर है, दोनों पे डिपेंड करता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे। अच्छा, साउंड को हम मेजर किसमें करते हैं? पेपर में पूछा जाता है डेसिबल में, ये चीज आपको पता होना चाहिए। साउंड को किसमें मेजर किया जाता है? डेसिबल में मेजर किया जाता है। देखिए, जैसे जैसे वायु का तापमान बढ़ता है उसमें ध्वनि की चाल भी बढ़ती जाती है, ठीक है, और जैसे जैसे तापमान घटता है उसमें वायु की जो चाल है वो आपकी घटती जाती है। इसके अलावा जो ध्वनि की चाल है वो वायु की आर्द्रता पर भी निर्भर करता है। जैसे जैसे वायु की आर्द्रता बढ़ती है वैसे वैसे ध्वनि की चाल बढ़ती है, ठीक है। स्पष्ट है कि ध्वनि सूक्ष्म वायु में धीमी गति से परंतु आर्द्र वायु में तीव्र गति से गमन करती है, चलती है, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। चलिए 21वें प्रश्न को अब हम देखते हैं। निम्नलिखित में से किस दशक में दशकीय वृद्धि सर्वाधिक रही है? तो यहाँ पे हाईएस्ट डिकेडल ग्रोथ की बात की गई है, वो किस सेंसेस में, किस ईयर में रहा है? तो यहाँ पर जो आपका सही उत्तर है वो आपका क्या है बताइए, एक मिनट क्लास, उत्तर तो आप लोगों ने देख लिया होगा, स्लाइड भाग गई। चलिए, यहाँ पर आपका जो सही उत्तर है वो है 1961 से 1971 में जो डिकेडल ग्रोथ था वो आपका सबसे ज्यादा था। यहाँ पर देख लीजिए ये कितना था, दशकीय वृद्धि 24.80, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। 2011 के अनुसार अगर हम देखेंगे तो दशकीय वृद्धि क्या थी, 17.70, तो ये आप याद रखिएगा, सबसे ज्यादा 24.80 1961 से 71 में, और अगर प्रेजेंट में देखेंगे 2011 से 2021 वाला तो 17.70। अगला प्रश्न देखते हैं, 22वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, नहीं है, तो यहां पर देख लीजिए क्लास, सबसे पहला आपका दिया गया है एलाकोल, ठीक है, ये आपका एक शाकनाशी है, ठीक है, खरपतवार नाशी है, हर्बिसाइड है, एलाकोल एकदम सही है। नॉट करेक्टली मैच बोला गया है, फेलेरिस माइनर खरपतवार दिया गया है, बीट दिया गया है, ये भी सही है। फिर आपको क्लोरोनिल दिया गया है तो ये आपका कवक नाशी, ये भी सही है, ठीक है। फिर स्ट्रेप्टोमाइसिन दिया गया है और इसमें कृमिनाशी दिया गया है, ये आपका गलत है, ये आपका गलत है। इस तरीके के प्रश्न पेपर में बनते हैं तो इसको भी आप हल्के में मत लीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। स्टेप्सो यहाँ पे हम देख लेते हैं एक बार, यहाँ पे क्लास, एक मिनट, स्लाइड में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, आपकी चेंज नहीं हो रही। स्टेप्सोमाइसिन की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए जो स्टेप्सोमाइसिन है वो जीवाणुनाशी है, ठीक है, जीवाणुनाशी है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, थोड़ा सा स्लाइड में दिक्कत हो रही तो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ मैं आप लोगों से, ठीक है। यहाँ पर प्रिवेंशन ऑफ कोल्ड अल्ट्रेशन एक्ट की बात की गई है कि ये किस किस ईयर में पार्लियामेंट द्वारा इनैक्ट किया गया था, तो यहाँ पर आपको 1952 दिया है, 1954 दिया है, 1955 दिया है और 1956 दिया है। और मैं आपको बता दूं 23वें का जो सही उत्तर है वो है 1954। इस तरीके के भी प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं तो इसको भी आप लोग हल्के में मत लीजिएगा, ये मत सोचिएगा ये कैसा प्रश्न आ गया, पूछा जाता है। चलिए 24वें प्रश्न को हम देखते हैं। सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करिए। तो इसको हम कह सकते हैं एनवायरमेंट का प्रश्न है ये ना। तो टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, वाटर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, स्नेक मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो वाटर मैन ऑफ इंडिया जो है वो राजेंद्र सिंह को कहा जाता है। तो सी का थर्ड मुझे पता है और सी का थर्ड खाली एक ऑप्शन में दिया गया है, डी में दिया गया है, तो डी आपका सही उत्तर है। अब दूसरे ऑप्शंस को हम लोग देख लेते हैं। टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, कैलाश संथियाल को कहा जाता है, संथियाला को कहा जाता है, ठीक है। फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, जादव मोलाई पायोंग को। फिर वाटर मैन ऑफ इंडिया राजेंद्र सिंह को, और स्नेक मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है बताइए, यहाँ पे रामुलस विटेकर को, ठीक है, विटेकर को, रामुलस विटेकर को। इतनी चीजें याद रखिएगा पेपर के लिए, ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसी तरीके से हमने कई बार डिस्कस किया है, आप में से स्टूडेंट्स को पता भी होगा, ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर किसको कहा जाता है, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। अगर मैं अगर आपसे वर्ल्ड में पूछा जाएगा फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन कौन है, तो आप याद रखेंगे नॉर्मन बोरलॉग का नाम। पेपर में कई बार ये प्रश्न पूछा गया है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, नॉर्मन बोरलॉग का नाम, ठीक है। अगर पूछा जाएगा ग्रीन रिवॉल्यूशन की हरित क्रांति के जनक भारत में कौन है, तो एम एस स्वामीनाथन का नाम आप
याद रखेंगे, ठीक है, ये भी चीज आप याद रखेंगे। इसी तरीके से पेपर में प्रश्न पूछा जाता है कि फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन किसे कहा जाता है, ठीक है, व्हाइट रिवॉल्यूशन किस चीज से रिलेटेड है, दूध क्रांति से रिलेटेड है, किसे कहा जाता है, कुरियन वर्गीसी को कहा जाता है, ये भी पॉइंट्स आप याद रखिएगा। मैंने आपको बता दिया, मेरे दिमाग में आया इसलिए रिविजन करा, तो यहाँ पर 24वें का डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखेंगे, देखिए यहाँ पर कुछ और पॉइंट्स दिए गए हैं, देख लीजिए यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर जैसे वर्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, सलीम अली को, इनका भी नाम याद रखिएगा, पेपर में पूछा गया, सलीम अली को वर्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। 25वें प्रश्न को हम देखेंगे, एक तरफ आपको पदार्थ दिए गए हैं, दूसरी तरफ मानव के प्रभावित अंग दिए गए हैं, तो कैडमियम आर्सेनिक, ठीक है, फिर आपका बेरिलियम दिया गया है और सेलेनियम दिया गया है, तो चलिए एक एक को करते हुए चलते हैं। यहाँ पे जब हम कैडमियम की बात करते हैं तो इससे बोन आपकी कमजोर होती है, तो ए का फोर्थ होगा, ए का फोर्थ एक ही जगह दिया गया है, और देख लेते हैं आर्सेनिक की बात करते हैं तो आर्सेनिक से त्वचा की समस्या उत्पन्न होती है, ठीक है, बेरिलियम की बात करते हैं तो सांस लेने में दिक्कत होती, श्वसन में, ठीक है, सेलेनियम की बात करते हैं तो बालों की क्षति होती है, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा, 25वें का डी आपका सही उत्तर है। चलिए 26वां प्रश्न हम देखते हैं, निम्नलिखित को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, हिस्ट्री से रिलेटेड प्रश्न है, ठीक है, अकबर द्वारा दास प्रथा एवं पर्दा प्रथा का अंत, मजहर की घोषणा, तीरे इलाही की स्थापना और इलाही संवत की शुरुआत, तो यहाँ पर जो आपको सीक्वेंस दिया गया ये एकदम सही है, 1 2 3 4, तो इस प्रश्न का सही उत्तर 1 2 3 4 होगा, एक बार हम लोग देखते हैं। चलिए अब यहाँ पर देख लीजिए दास प्रथा का अंत, ठीक है, कब है, 1562 में, तीर्थ यात्रा, तीर्थ तीर्थ, ठीक है, तीर्थ में लग रहा है तीर्थ तीर्थ क्या रहा है, 63 तीर्थ, ठीक है, तो 63 कुछ ऐसा साउंड हो रहा है, ठीक है, तो आप इसको ऐसे याद कर सकते तीर्थ, ठीक है, तीर्थ तो 63, ठीक है, जजिया कर की समाप्ति 64 उसके तुरंत बाद, फतेहपुर सीकरी की स्थापना एवं फतेहपुर सीकरी राजधानी परिवर्तन, तो यहाँ पे क्या दिया 1571, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। इबादत खाना 1575, मजहर की घोषणा 1579, दीने इलाही 1582 और इलाही संवत की शुरुआत 1583। क्लास इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, यहाँ से भी प्रश्न कई बार बनी है, ठीक है, 2 3 बार पढ़ेंगे इस तरीके से, कुछ भी अपने दिमाग में मिरर से बना लेंगे, जैसे मैंने आपको तीरथ बताया, 63 बताया, इसी तरीके से अगर आप 7 पे 1 देखेंगे तो कुछ ऐसे फतेह की तरह दिख रहा है, फतेह कर रहे हैं हम, ठीक है, फतेह एक कर रहे हैं, तो ऐसे आप याद कर सकते हैं कि फतेहपुर सीकरी की स्थापना हो रही है, तो आप किसी भी तरीके से नंबर्स को याद कर सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है। चलिए 27वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, पहला है क्या, दक्षिण के 12 वैष्णव अलावा संतों में एकमात्र महिला संत थी, किसकी बात की गई है, यहां पर देखिए आपको दिया गया अंडाल को दक्षिण भारत की मीरा कहा जाता है। अच्छा क्लास एक चीज देखिए, यहाँ पे हिंदी इंग्लिश में आपको दिक्कत दिखेगी, ठीक है, यहाँ पर हिंदी में दिया नहीं गया है पहले वाले ऑप्शन में कि यहाँ पर किसकी बात की गई है, तो आप याद रखेंगे यहाँ पे अंडाल की बात की गई है, जिनको की गोदा देवी के नाम से भी जाना जाता है, इनको अलवार संतों में एकमात्र महिला संत थी, ठीक है, महिला संत थी, ये एकदम सही है, और अंडाल को दक्षिण भारत की मीरा भी कहा जाता है, ये भी सही है, ठीक है, तो यहाँ पर आप कर लीजिएगा हिंदी में कि हम किसकी बात कर रहे हैं, अंडाल की बात कर रहे हैं, तो दोनों ही ऑप्शन आपके सही है, 27 का सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखेंगे 28वां प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम गैर हिंदू अध्यक्ष जॉर्ज यूल थे, दूसरा आपको दिया गया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष आपके रहमतुल्ला सयानी थे, तो यहाँ पर दोनों ही ऑप्शन आपके गलत है, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय, तो डी आपका सही उत्तर होगा, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं इसको, देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अगर हम गैर हिंदू, ठीक है, गैर हिंदू अध्यक्ष की बात करें तो वो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया थे, और ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कौन है, दादा भाई नरोजी थे, याद रखिएगा, ठीक है, इसी तरीके से अगर हम बात करें कि आपके इंग्लिश अध्यक्ष कौन थे पहले, तो वो आपके जॉर्ज यूल थे, ये चीज याद रखिएगा, ये आपके प्रथम यूरोपियन अंग्रेज थे, ठीक है, मतलब अंग्रेज थे ये, प्रथम यूरोपियन थे जिन्होंने
इंडियन नेशनल कांग्रेस को प्रिसाइड किया था जॉर्ज यूल ने, ठीक है। और अगर गैर हिंदू बोलेगा तो आपके दादा भाई नरोजी होंगे, और मुस्लिम की अगर हम बात करेंगे तो आप याद रखेंगे बरुद्दीन तैयब जी। इतनी चीजें आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न देखेंगे, 29 प्रश्न को हम देखते हैं। एक तरफ सूची एक दी गई है, दूसरी तरफ सूची दो दी गई है, दोनों को सुमेलित करना है। एक तरफ विद्रोह दिया गया, एक तरफ काल दिया गया। तो चलिए मैच करते हुए चलते हैं। बरहाम विद्रोह की बात अगर हम करेंगे तो ये आपके 1857 की क्रांति के समय में हुआ है, ठीक है, उसी समय। तो ये आपका 1857 पहला ऑप्शन सही है। मुंडा विद्रोह 1899, अहोम विद्रोह 1828, कोन विद्रोह 1837। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, ए आपका सही उत्तर है। देखिए इस तरीके के विद्रोह से रिलेटेड प्रश्न, रिवॉल्ट से रिलेटेड प्रश्न पूछता है। जैसे यहाँ पर यह भी पूछ सकता है जो मुंडा विद्रोह है वो कहाँ हुआ था, तो आप याद रखेंगे बिहार में हुआ था, और इसका लीडर कौन थे, बिरसा मुंडा, ये तो आप सभी को पता होगा। अहोम विद्रोह की बात करेंगे तो अहोम आपके किधर थे, नॉर्थ ईस्ट में हुआ था, ये असम में हुआ था, ठीक है। बरहामपुर विद्रोह की बात करेंगे तो ये बंगाल में हुआ था, और कोन विद्रोह आपका तमिलनाडु साइड में हुआ था। चलिए तीसरे प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन महात्मा बुद्ध के समकालीन नहीं था, बिंबुसार, ठीक है, फिर उसके बाद प्रसेनजीत दिया है, चंड प्रबोध दिया है, फिर उसके बाद आपको दिया गया काला अशोक। तो जो काला अशोक था वो महात्मा बुद्ध के समय पे नहीं था, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। बिंदुसार, प्रसेनजीत और चंड प्रबोध जो थे ये सब आपके गौतम बुद्ध के समय में थे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, 31st प्रश्न। नीचे दो कथन दिए गए हैं, assertion reason based है, अभिकथन कारण based है, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ में महात्मा गांधी ने मित्र राष्ट्रों के प्रति सहानुभूति प्रकट की थी। कथन है गांधी जी का एक मत था कि पश्चिमी यूरोप के लोकतांत्रिक राज्यों और हिटलर का नेतृत्व स्वीकार करने वाले निरंकुशवादी राज्यों में स्पष्ट अंतर है। यहाँ पे क्या बोला गया है कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड में, ठीक है, वर्ल्ड वॉर सेकेंड में द्वितीय की बात की गई, इन द बिगनिंग ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड महात्मा गांधी एक्सप्रेस सिंपथी फॉर द एलाइज, ये चीज याद रखिएगा। क्यों, क्योंकि गांधी की ओपिनियन में ओपिनियन वॉज दैट देयर इज अ क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन द डेमोक्रेटिक स्टेट ऑफ वेस्टर्न यूरोप एंड द ऑटोक्रेटिक स्टेट ऑफ हिटलर लीडरशिप। आपको पता है गांधी जी तो नॉन वायलेंस वाले, हमेशा वो चाहेंगे शांति बना रहे, किसी भी तरीके का अत्याचार को नहीं बर्दाश्त करेंगे वो। तो यहाँ पर जो आपका दोनों ही ऑप्शन दिए गए हैं एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, और 31st का ए आपका सही उत्तर है, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। चलिए 32nd प्रश्न को हम देखते हैं। सूची एक को सूची दो से हमें सुमेलित करना है। एक तरफ मैगजीन्स दिए गए हैं, दूसरी तरफ राइटर्स दिए गए हैं। अनहैप्पी इंडिया, अनहैप्पी इंडिया किसके द्वारा लिखा गया है, लाला लाजपत राय द्वारा। एक अपोर्ट बहुत इजी, यहाँ पे आपको ऑप्शंस तैयार किए गए हैं। जैसे आपको पता है कि अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय के द्वारा दिया गया है, आप भी टिक लगा सकते हैं। और हम देखते हैं इंडिया डिवाइडेड किसके द्वारा लिखा गया है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा, ठीक है। हिंस फॉर सेल्फ कल्चर किसके द्वारा लिखा गया है, देखिए ये आपका लिखा गया है लाला हरदयाल। गदर मूवमेंट याद है ना, 1913 सैन फ्रांसिस्को। चलिए इंडिया फॉर इंडियंस किसके द्वारा लिखा गया, चित्रंजन दास, सी आर दास द्वारा। तो यहाँ पे 32 का आपका बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं 33rd। ब्रिटिश भारत में वेल्बी कमीशन का गठन किस उद्देश्य से किया गया था, तो वेल्बी कमीशन का जो गठन था वो किस उद्देश्य से किया गया था, देशी रियासतों व अंग्रेजी सरकार के बीच संबंधों पर विचार करने के लिए, श्रमिकों की स्थिति पर विचार करने के लिए, भारतीय व्यय की समीक्षा के लिए, या फिर पुलिस की कार्य पद्धति पर विचार करने के लिए। तो यहाँ पर हम बताइए इसका उत्तर क्या सही होगा। तो जो वेल्बी कमीशन था उसका गठन 1895 में किया गया था, 1895 में किया गया था, और इसका पर्पस क्या था, जो भारतीय व्यय की समीक्षा थी उसके लिए, ठीक है, जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ इंडिया, ठीक है, ये चीज याद रखेगा। तो यहाँ पर सी आपका सही उत्तर है ना, सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखेंगे 34th प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन असत्य है, ठीक है, नॉट करेक्ट है, ठीक है, ये चीज देखिएगा, फॉल्स है। भारत में सर्वप्रथम शिला लेख मौर्य शासक अशोक द्वारा जारी किया गया, ठीक है, फर्स्ट इंस्क्रिप्शन वेयर शूट बाय द
मौर्यन रूलर्स। दूसरा है अशोक के अधिकांश जो अभिलेख है वो पाली भाषा में। फिर दिया गया सर्वाधिक शिलालेख गुप्त शासकों द्वारा संस्कृत भाषा में जारी किया गया था। और आखिरी है भारतीय इतिहास का पहला संस्कृत शिलालेख शक शासक रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है। तो पेपर का एक प्रश्न बनता है जूनागढ़ अभिलेख किससे रिलेटेड है, रुद्रदामन से रिलेटेड है। ठीक है, अशोक के जो इंस्क्रिप्शन थे जो अभिलेख थे वो आपके पाली भाषा में नहीं थे, वो प्राकृत भाषा में थे, ये चीज याद रखिएगा। तो यहाँ पर आपका गलत क्या हो जाएगा, बी गलत हो जाएगा, असत्य बी होगा। क्यों? क्योंकि अशोक के जो इंस्क्रिप्शन थे वहां पर मेनली प्राकृत भाषा का यूज किया गया है। ठीक है, अच्छा देखिए अशोक का जो धौली शिलालेख है वो उड़ीसा के पुरी जिले में स्थित है। ठीक है, साबाज कड़ी जो अभिलेख है वो पाकिस्तान के पेशावर में है। मान सेहरा अभिलेख की बात करेंगे तो ये भी पाकिस्तान में है। ठीक है, कालसी अभिलेख की बात करेंगे तो कालसी अभिलेख कहाँ है, उत्तराखंड में है, देहरादून में। ठीक है, सोपारा अभिलेख की बात करेंगे, सोपारा अभिलेख की, तो ये महाराष्ट्र में है। ठीक है, एराबुड्डी अभिलेख आंध्र प्रदेश में है, गिरनार अभिलेख कहाँ पर है, जूनागढ़ में। तो ये भी याद रखिएगा, पेपर में एक बार मैच करने को बोला था। अब आज की क्लास का हम अंतिम प्रश्न देखेंगे, 35वां प्रश्न। प्रोफेसर अमृत सेन को 1998 में अर्थव्यवस्था के लिए किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? वेलफेयर इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स गवर्नेंस, प्रिंसिपल ऑफ एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, या फिर कंट्रीब्यूशन टू द अप्लाइड इकोनॉमिक्स। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो क्या है, वो है वेलफेयर इकोनॉमिक्स, ए आपका सही उत्तर है। सॉरी क्लास, याद रखिएगा इसका सही उत्तर क्या है, ए। चलिए आज की क्लास को हम अब यही पे एंड करेंगे। आज हमने 35 प्रश्नों के साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी डिस्कस किए। नेक्स्ट क्लास में हम और प्रश्नों को डिस्कस करेंगे और आने वाली क्लास में हम इन नंबर्स को और बढ़ाएंगे, 35 से 40 करेंगे। ठीक है, जैसे जैसे परीक्षा आएगी सारा रिवीजन आपको कराना है। तो थैंक यू सो मच क्लास, इसी तरीके से मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ डिकोड एग्जाम के साथ बने रहिए। क्लास को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए। नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे, तब तक खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए। धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय।